पूरा मर्डर कांड हुआ एक दिन पहले उज्जैन में के पास माकरोन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर हमला हुआ। उससे पहले उज्जैन में कई आपराधिक घटनाएं, प्रदेश में भी लगातार अपराधों का बोलबाला। आप देखो कि शिवराज जी ने करप्शन में मध्य प्रदेश का सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारे नए मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी करप्शन अपनी जगह चल ही रहा है, उसके साथ साथ अपराध में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मैं मानता हूँ जब से मोहन यादव जी खुद गृह मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, आप देखो वो धार्मिक बातें, आस्था की बातें, राम की बातें, कृष्ण की बातें, धार्मिक नगरी मध्य प्रदेश बनाने की बातें सब करते हैं। पर सब धर्म का मूल क्या है? मूल है, हर आस्था का मूल है सामाजिक न्याय और मानवता की रक्षा। जब इस तरह के अपराध बढ़ेंगे तो एक सभ्य समाज कैसे आएगा और कैसे मध्य प्रदेश में शांति बिना स्थापित हुए या अपराधों के इतने बढ़ते हुए ये तरक्की करेगा? मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के हालात दयनीय हैं, अपराध के मामले में संकट में है मध्य प्रदेश की आम जनता। सरकार को चेतना चाहिए, समझना चाहिए, बलात्कार हो, हत्याएं हो, सामाजिक झड़प हो और महापुरुषों की मूर्तियों पर हमला हो, हर तरह के अपराध। मुख्यमंत्री जी ने एक अधिकारी को सस्पेंड किया इसलिए कि उसका व्यवहार ठीक नहीं था, दूसरे ने उसी तरह का अपराध कर दिया, दूसरे को सस्पेंड किया, तीसरे ने कर दिया, तीसरे को सस्पेंड किया, चौथे ने कर दिया, चौथे को सस्पेंड किया, पांचवे ने कर दिया। मतलब मुख्यमंत्री के किए हुए एक्शन का रिएक्शन अफसरशाही में नहीं, इसका मतलब है मुख्यमंत्री के किसी भी एक्शन से अफसरशाही डरती नहीं है, अपराध और बढ़ना इसका संकेत है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 1 महीना 46 दिन आपके मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आपका रिपोर्ट कार्ड आप 1 महीने का देने की कोशिश कर रहे थे, 1 हफ्ते का देने की कोशिश कर रहे थे, अब 2 महीने का देने की कोशिश, रिपोर्ट कार्ड आ गया आपका। रही बात 1 महीने 46 दिन में आपने रामायण और गीता जैसे वचन पत्र में से एक भी शब्द अभी तक नहीं पढ़ा, क्या कारण है कि धान की तुलाई हो गई? आप 3100 रुपए के आपने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, आप मुंह चलाते हो रोज, कलम कब चलाओगे, निर्णय कब लोगे? मैं निर्णय लेके जनता के, किसानों के हितों की रक्षा कब करोगे? क्या कारण है कि 145 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने की बात हुई थी, आज तक आपने 2 महीने के बीच में भी आपने निर्णय नहीं लिया? क्या कारण है अभी गेहूं की तुलाई के रजिस्ट्रेशन चालू हो गए, चालू होने वाले, तो आप उस पर गेहूं के 2700 रुपए के भाव बात क्यों नहीं करते? आपने क्या कोशिश की? आपने IAS और IPS की पास आउट बच्चों को संबोधित किया, आपने राष्ट्रगान और प्रदेश के गान में जब नीतिगत पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्णय लिया, उसका गजट नोटिफिकेशन में आपने वर्णन किया, कानून बनाया कि इसका भी सम्मान होना चाहिए, तो आपके आपसी राजनीतिक द्वंद्व से मध्य प्रदेश के हितों का कुठाराघात क्यों हो रहा है? क्या कारण है? आपकी अंदरूनी राजनीति अपनी जगह हो सकती है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते, पर मध्य प्रदेश का अपमान करना आपको शोभा नहीं देता, न करना चाहिए आपको। देश सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, देशभक्ति सर्वोपरि है, इसको कभी कोई नहीं नकारेगा, पर मध्य प्रदेश का भी अपना एक सम्मान है, उस पर भी आपको विचार करना चाहिए। तो फिर से अपराध पे कंट्रोल करे सरकार, वचन पत्र का पालन करे सरकार, मध्य प्रदेश का अपमान न करे सरकार। धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा की अंदरूनी राजनीति में मध्य प्रदेश का अपमान हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में अपराधों का रिकॉर्ड टूटने का आरोप भी लगाया। जीतू पटवारी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि उज्जैन में दोहरा हत्याकांड हुआ है, एक दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर हमला हुआ, प्रदेश भर में अपराध हो रहे हैं, नए मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अपराधों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, इस तरह अपराध बढ़ेंगे तो सभ्य समाज कैसे आएगा?
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय है। जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कार्रवाई से अधिकारी डरते नहीं हैं। यही वजह है कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। भाजपा के वचन पत्र को लेकर कहा कि रामायण और गीता में से एक शब्द भी नहीं पढ़ाया गया। धान व गेहूं के दाम कब मिलेंगे? 450 रुपये में गैस सिलेंडर कब से देंगे? जीतू पटवारी ने कहा कि राष्ट्रगान प्रदेशगान को लेकर सीएम ने अपनी बात कही है। भाजपा की अंदरूनी राजनीति में मध्य प्रदेश का अपमान हो रहा है। राष्ट्र का अपना सम्मान है, लेकिन एमपी का भी अपमान न हो। कांग्रेस की बैठक को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि लोकसभा और भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में तैयारी चल रही है। लोकसभा चुनाव के लिए कंट्रोल रूम बन गया है। सोशल मीडिया समेत डिलीवरी सिस्टम पर काम हो रहा है। संभागीय स्तर पर भी कंट्रोल रूम बना रहे हैं। प्रत्याशी चुनने और चुनाव लड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 फरवरी से स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर भोपाल आएंगे। उज्जैन, ग्वालियर और भोपाल में बैठकें होंगी। लोकसभा चुनाव समन्वय समिति, प्रदेश प्रभारी, लोकसभा प्रभारी बैठकों में शामिल होंगे। बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने पर कहा प्रभारी नियुक्त करे हैं। सबसे चर्चा के बाद होगा निर्णय। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई टीम जल्द ही आएगी सामने। हमने इस बीच कई कमेटियों का गठन किया है। जिला अध्यक्षों के काम की भी समीक्षा कर रहे हैं।